हेलो गाइस, दिस इज दीपांशु एंड वेलकम बैक टू नोमैडिक इंडियन। गाइस, इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले पार्ट में बात करूंगा वैंग वियांग के बारे में, जो ट्यूबिंग के लिए फेमस है, और दूसरे पार्ट में बात करूंगा मैं लुआंग प्रबांग के बारे में, जो अपने वाटरफॉल्स के लिए फेमस है। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, वैंग वियांग नॉर्थ लाओस में है और लाओस के कैपिटल वियंतियान से लगभग 160 किलोमीटर्स दूर है। वैंग वियांग बैकपैकर्स के लिए हेवन मानी जाती है, क्योंकि वैंग वियांग में आपको हर चीज़ मिलेगी, नाइट लाइफ से लेकर पीसफुल नेचर तक और नेचुरल केव से लेकर राफ्टिंग तक। आप हर चीज़ वैंग वियांग में ट्राई कर सकते हो। गाइस, अगर आप ट्यूबिंग के बारे में नहीं जानते हो तो मैं आपको बता देता हूँ। ट्यूबिंग में क्या होता है, लोग एक ट्यूब रेंट पर लेते हैं और इस ट्यूब को लेकर रिवर में कूद जाते हैं, फिर रिवर के साथ वाटर फ्लो के साथ वो चल रहे होते हैं, और इस दौरान वो लगभग 10 से 12 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं, और इस डिस्टेंस को कवर करने में लगभग 3 घंटे लग जाते हैं, और उन 3 घंटों तक आप उस ट्यूब में रिवर फ्लो के साथ चल रहे होते हो। और सच में ट्यूबिंग में बहुत ज्यादा मजे आते हैं, और एडवेंचर लवर्स के लिए तो ये वन ऑफ द बेस्ट है। लेकिन गाइस, ट्यूबिंग करते टाइम आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ट्यूबिंग में आप उस ट्यूब के भरोसे रिवर में चल रहे होते हो, और रिवर में कई बार स्नेक्स और बाकी रेप्टाइल्स भी आ जाते हैं, और इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं ट्यूब किसी चीज से टकराकर पंचर ना हो जाए। कुछ लोग ड्रिंक करके ट्यूबिंग स्टार्ट करते हैं, और एक्सेस में ड्रिंक करने के कारण वो कई बार ट्यूब से भी गिर जाते हैं, और हर साल इसी कारण 3 से 4 ट्रैवलर्स की डेथ हो जाती है। तो अगर आप कभी भी ट्यूबिंग करने जाएं तो सारे सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखें।
गाइस लुआंग प्रबांग वैंग व्यांग से लगभग 190 किलोमीटर दूर है और बहुत सालों पहले लुआंग प्रबांग लाओस की कैपिटल हुआ करती थी और अभी भी इसे लाओस की स्पिरिचुअल कैपिटल बोला जाता है। 1995 में यूनेस्को ने लुआंग प्रबांग को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया था और यहाँ पर आपको बिल्डिंग्स में एक अलग ही फ्यूजन मिलेगा, यूरोपियन प्लस लाओ ट्रेडिशनल। और गाइस लुआंग प्रबांग अपने वाटरफॉल्स के अलावा यहाँ के पीसफुल नेचर, टेम्पल्स, रॉयल पैलेस, माउंट फुशी और मेकोंग रिवर के लिए फेमस है। और यहाँ से आप इसे थाईलैंड भी जा सकते हो और वियतनाम भी जा सकते हो, और लुआंग प्रबांग से मैंने वियतनाम जाने के लिए बस ली थी। गाइस लुआंग प्रबांग और वैंग व्यांग में जो हॉस्टल के प्राइस है वो बाकी साउथ एशिया जैसे ही है। यहाँ पर आपको इजिली $4 से $5 के बीच में हॉस्टल मिल जाएंगे और वो भी ब्रेकफास्ट के साथ। और रही बात ट्रांसपोर्टेशन की, तो पूरे लाओस में ट्रांसपोर्टेशन की हालत बहुत ज्यादा बुरी है, तो यहाँ पर भी आपको टुकटुक या फिर मोटर बाइक रेंट पर लेनी होगी। और अगर इंडियन फूड की बात आती है तो यहाँ पर आपको इजिली इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जहाँ पर आप अपना जो इंडियन फूड है वो ट्राई कर सकते हो, लेकिन वो जो रेस्टोरेंट्स हैं उनके प्राइस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इंडियन रेस्टोरेंट को यहाँ अवॉइड करना। गाइस दैट्स ऑल अबाउट लुआंग प्रबांग एंड वैंग व्यांग। अगर आपको वैंग व्यांग और लुआंग प्रबांग के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो। सो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।